वाला सिस्टम बनता गया और स्कूल नाम की संस्था सामने आ आजादी से भी पहले गुरुकुल हम इसको कह सकते हैं, जो हमारा पहला और कोलकाता में पहला फॉर्मल स्कूल चार दीवारी के भीतर बना। अब एनईपी ने स्कूल का जो सिस्टम बनाया, पता है आप में से किसी को? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से कोई एक आप में से खड़े होके बता दे, बस दोहराना है हमको। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ? चलिए कोई एक खड़े होके बोल दे, कौन बताएंगे? रवि क्या बताओगे? 5+3+3+3+3। हाँ, जो नया स्ट्रक्चर आया है ना, नया 5 फाउंडेशन स्टेज, प्रेपरेटरी फाउंडेशन स्टेज है, नाम पे याद कर लेते हैं। फाउंडेशन स्टेज है पहली 5 साल की, और ये कक्षा 2 तक खत्म हो जाएगी, है ना। ये हमारी +3 यानी कि आंगनवाड़ी बालवाटिका 1 और 2, 2 तक ये स्टेज खत्म हो जाती है। मतलब इसमें प्री स्कूल एजुकेशन भी शामिल है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बोलते हैं, वो भी शामिल है ECC, और हमारा 1 और 2 ये मेजर चेंज आया। फिर हमारा 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज है। हाँ, प्रिपरेटरी, इसमें क्या क्या है? 3, 4, 5, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, 3 कक्षाएं इसमें शामिल है। उसके बाद हमारी आती है मिडिल स्टेज, इसमें कौन कौन है? 6 से 8, 6, 7, 8, इसमें 3 क्लासेस शामिल है, छठी, सातवीं, आठवीं। और उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी 9 to 12, 9वां, 10वां, 11वां, 12। ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नया स्ट्रक्चर है। और एक बार पहले को दोहरा लेते हैं, 10+2 है। पहला था हमारा कक्षा 1 से लेके 5 तक प्राइमरी, फिर आपका 6 से लेके 8 तक मिडिल, अपर प्राइमरी, फिर 9-10 सेकेंडरी, और 10-11-12 सीनियर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। कहीं किसी राज्य में सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, कहीं हायर सेकेंडरी। ये हमारा पुराना स्ट्रक्चर है, इससे पहले का प्री स्कूल कहलाता था, और ये नया। तो स्कूल एजुकेशन, मैं ये सारा इसलिए कर रही हूँ कि हमारे टॉपिक में जो जो टर्म्स आई हैं, हर टर्म को पहले एक एक मिनट के लिए खुलासा कर। तो एक टर्म थी हमारी स्कूल एजुकेशन, वो हमने कर ली। उसके बाद इसमें एक टर्म आई है पपेट्री। पपेट्री क्या चीज है, जिसपे आपका पूरा फोकस है? ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ही पपेट्री पर फोकस है। क्या चीज है पपेट्री? मूवेबल ऑब्जेक्ट। हाँ जी, मूवेबल ऑब्जेक्ट, एक मूवेबल ऑब्जेक्ट, चलायमान, गति जिसमें है, एक ऐसे वस्तु। इसका जन्म कैसे हुआ होगा? इतिहास जब ना भी पढ़ा हो, कोई कल्पना कर सकते? खिलौने के रूप में, कम्युनिकेशन, संप्रेषित करने के लिए। शुरुआत इसकी, देखिए ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं है, पर जो शोध करता है, जिन्होंने जैसे हमारी मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, वहां जब चीजें कुछ मिली, तो शोध में आपको सबको पता है हाइपोथेसिस, अनुमान लगाए जाते हैं। तो अनुमान लगाया गया कि एक तो तरुण जी ने कहा संप्रेषण, क्योंकि भाषा तो विकसित नहीं थी ना, संकेत थे, और संकेत के माध्यम से, और संकेत में कभी कभी ऑब्जेक्ट भी ले लिया जाता है। तो उस संप्रेषण, अभिव्यक्ति और कहीं ना कहीं मनोरंजन, इस रूप में पुतुल, एक्चुअल शब्द पुतुल था, जिसको फिर पुतली कर दिया गया, अंग्रेज कठपुतली, क्योंकि काठ की लकड़ियों की बनती थी,
सभ्यता के विकास के साथ साथ कपड़ों की बनी, कतरनों की बनी, सब बहुत परिवर्तन आया। और आज की डेट में यदि हम स्कूल एजुकेशन देखें तो हमारे पास फिंगर पपेट भी है, मुखौटे भी हैं, हम लोग सॉक्स की भी बना लेते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन तो समाज में चलते रहते। तो असली मकसद था संप्रेषण, दूसरा मनोरंजन, और मनोरंजन के साथ साथ धीरे धीरे पुतुल कला को बनाया गया माध्यम जागरूकता, जागरूकता अवेयरनेस। ये केरल शास्त्र साहित्य परिषद, अगर आपने किसी ने नाम सुना हो, केरल शास्त्र साहित्य परिषद की भारत के तमाम वैज्ञानिक, साहित्यकार, सोशल रिफॉर्मर्स इकट्ठे हुए और गांव गांव जाके जो अंधविश्वास कुरीतियों के प्रति जागरूकता पैदा करनी थी, उन्होंने नाटक का, पुतुल का सहारा लेकर जागरूकता पैदा की। हाँ जी, भारत जन विज्ञान जत्था, बिल्कुल सही कहा जी। तो पुतुल शब्द हमने डिस्क्राइब कर लिया, अब पुतुल के बाद आता है इक्विटी। जेंडर को मैं बाद में लिखती हूँ। इक्विटी शब्द, इक्विटी क्या चीज होती है? समता। चलिए, ये तो उसका अनुवाद हो गया। अगर मैं कहूँ इसका व्याख्या करें, व्याख्या जी सर, जैसे मैम हमारे लेना ना वैसे बता देंगे। हाँ। जैसे हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। हाँ। कि सबको पढ़ना लिखना है। हाँ। लेकिन यदि इक्विटी की बात करें कि क्या सबको वो समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वो उसके लिए इतने ही अवसर देना ताकि वो उस लेवल पे आ जाए। अच्छा, आपका शुभ नाम? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी बिल्कुल सही कहा आपने, समानता का अधिकार दिया कि हमारा आर्टिकल 45 कहता है Each and every child, irrespective of color, caste, creed, geographical boundary, is entitled to get free and compulsory education. यह समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी कह दी। तो क्या लिखने से, अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि समानता दे दी। संविधान ने कहा कि सभी बच्चे जाति, धर्म, रंग, सेक्स, कोई भेदभाव नहीं, सबको शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। दे दिया समानता। अब क्या है, दो लड़कियां हैं, एक लड़की है शारदा और एक लड़की है आशा। आशा के माता पिता एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पर स्कूल नजदीक है, घर के नजदीक है। और उसके माता पिता कमाते खाते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं टू सेंड द चाइल्ड टू द स्कूल। शारदा के माता पिता जहां रहते हैं, स्कूल बहुत दूर है। फिर शारदा की माँ कोठियों में बर्तन मांजने भी जाती है और दो छोटे भाई बहन भी संभालना पड़ता है, और उसी समय संभालना पड़ता है जिस जो स्कूल आवर्स होते हैं सुबह के। yes. तो अब बताइए, अधिकार तो दोनों को है, बट शी इज नॉट गोइंग, शी इज गोइंग, तो क्या इक्वालिटी है? अब इक्विटी लानी है, जो सर ने बात की, आपका शुभ नाम एक बार पुनः? विजेंद्र। विजेंद्र जी, तो जो विजेंद्र जी ने बात बोली, अब क्वालिटी नहीं चाहिए, इक्वालिटी तो ऑलरेडी दे दी, अब इक्विटी चाहिए। इक्विटी के लिए क्या चाहिए यहाँ पर शारदा को? स्कूल, एक नजदीक स्कूल खुलना जरूरी है, अवसर देने चाहिए, अवसर, अवसर की समानता है ना? और यदि नजदीक स्कूल नहीं खोल सकते हो तो रिक्शे का प्रबंध या किसी और चीज का प्रबंध, सो दैट शी कैन अप्रोच स्कूल। तो एक तो आप स्कूल नजदीक लाओ या कोई और प्रोविजन करो। और भी कुछ किया जा सकता है इक्विटी के लिए? समय बदला जा सकता है। yes, हाँ। समय बच्चे को भी रखना है। हाँ। तो आंगनवाड़ी खोलिए, मोबाइल क्रेच खोलिए। yes. मोबाइल क्रेच की सुविधा दीजिए, आंगनवाड़ी की सुविधा दीजिए, और या
जब माँ दोपहर में आ जाती है तो दोपहर की पाली में लड़की को अपॉर्चुनिटी दीजिए। दोपहर की पाली शुरू करिए जिससे लड़की दोपहर की पाली में जा सके। तो जब ये सारी कंडीशन होगी तो इक्विटी बनेगी। या हॉस्टल की सुविधा भी दे सकते हैं। हॉस्टल की सुविधा भी जो आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुले हैं जगह जगह, वो दो बच्चे वो इस इक्विटी के लिए ही खुले हैं कि दोस ट्राइबल गर्ल्स हु कैन नॉट अप्रोच एट ऑल दे कैन अवेल एजुकेशन। तो ये कस्तूरबा गांधी केजीबी भी उसी का एक प्रयास है, उसी दिशा। इक्विटी बहुत जगह घर में सुबह से लेकर शाम तक आप इक्विटी इक्वालिटी और इक्विटी का ये द्वंद्व देख सकते हैं। जबरदस्त। उदाहरण के तौर पे मेरी बिटिया को डांस का बहुत शौक है, भरतनाट्यम सीखा भी है। मंडी हाउस जाना पड़ता है, रात के शो कई बार होते हैं। इक्विटी कहती है, इक्वालिटी कहती है कि अगर लड़का 12 बजे आ सकता है तो व्हाई नॉट गर्ल। पर दिल्ली के हालात आपने सुने होंगे अखबारों में, हैं? हम जैसी बूढ़ी स्त्री भी सुरक्षित नहीं है, तो एक जवान बच्ची के लिए बारे में क्या कहें। तो अब उसके लिए यदि मैं इक्विटी शब्द का इस्तेमाल करूं तो उसको इक्विटी के लिए क्या होना चाहिए? अवसर। वो अवसर तो माँ बाप ने दे दिया कि तुम मंडी हाउस जाओ, फीस दे दी और तुम अपना करो डांस। ये तो अवसर अपॉर्चुनिटी दे दी, समानता भी दे दी। अब टाइम तो वो मंडी हाउस बदलेगा नहीं एक अकेली लड़की के लिए। जी बिल्कुल। क्या इक्वालिटी इक्विटी क्या होगी? एक सेफ एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ एनवायरनमेंट जहां पुरुष स्त्री को स्त्री ना समझे, एक इंसान समझे। यस। एक ऐसा परिवेश, ऐसा परिवेश आज हम जितनी भी बच्चियां, जैसे तृप्ति जी ने कहा मुझे घर की चिंता होती है, आमतौर पे हम लड़कियों की फर्स्ट फ्लोर, लड़कियों की मम्मियों को तो एक ही चिंता ज्यादा होती है कि लड़की किसी प्रकार की हवस का शिकार ना बन जाए, सुरक्षित घर आ जाए। और जिस दिन पुरुषों की निगाह सही हो गई तो हमारी ये चिंता खत्म। हम हमारी चिंता खत्म यानी कि इक्विटी इक्विटी आ गई, समता समानता दोनों। तो विजेंद्र जी आपका धन्यवाद, बिल्कुल सही आपने दिया। तो ये है इक्विटी, कि इक्विटी सिर्फ कह देने भर से नहीं, वी हैव टू प्रोवाइड द एनवायरमेंट। जैसे अब ये हॉल है, अब एक विकलांग ने इसमें हॉल में आना है, आपने तो विकलांग जिसका ऑर्थोपेडिकली विकलांग है, मन तो यहां पर मान लिया राजभाषा पर जो सुबह लेक्चर था, तो एक ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप को भी अटेंड करना है, अधिकार है या नहीं है उसका? है। तो उसको वो यहां तक आ सके, यहां से चढ़ सके के ऊपर आ सके, इसके लिए क्या करना होगा? रैंप का प्रोविजन। तो वो इक्विटी इक्विटी का सूचक होगा। नहीं तो आप सोचिए कि मैं तो चढ़कर आ गई, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, अब या तो आप ही उसको उठा के पहुंचाए, पर हाउ लॉन्ग यू विल बी डूइंग। एक सेल्फ एस्टीम पर भी तो चोट आती है कि देखो मुझे चार लोग उठाकर पहुंचा रहे। तो एक रैंप की व्यवस्था बनने से इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी आ जाता है। तो ये है इक्विटी शब्द। तो हमारे अब एक ही शब्द रहता है और इस पर पूरा हमारा फोकस है। अब इसको करते हैं, हमने स्कूल एजुकेशन को डिफाइन कर लिया, हमने पपेट को डिफाइन किया, हमने इक्विटी को डिफाइन किया। अब हम जेंडर पर आगे बढ़ते हैं। जेंडर पर